हेलो फ्रेंड्स, मैं सर चिराग श्याका डेको सूरत। एक और विनोवा की यूट्यूब पर हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं हमारे चैनल पर। किस तरह से अपग्रेड किया गया है, क्या कंडीशन में गाड़ी है, सब कुछ वन बाय वन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ कि गाड़ी टाइप 3 मॉडल थी जिसे कस्टमर ऑलरेडी टाइप 4 मॉडल किया हुआ है, और क्या कंडीशन में गाड़ी हमारे पास आई है, सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कस्टमर आया है गांधीनगर अहमदाबाद से हमारे पास स्पेशली गाड़ी रखने के लिए। यूट्यूब पर उन्होंने हमारी ऑलरेडी एक व्हाइट एंड ब्लैक कलर की कार का वीडियो देखा था, उससे इंस्पायर होकर वो हमारे पास गाड़ी रखने की क्या कंडीशन हमारी गाड़ी की और क्या हमको बनानी है। 2012 के मॉडल इनोवा को कस्टमर ऑलरेडी टाइप 4 में कन्वर्ट कर चुका है, बट अभी जब गाड़ी हमारे पास है तो काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। बम्पर इसका नया चेंज होकर फिट होगा, साइड फेंडर वगैरह सब कुछ इसमें डैमेज है जिसे हमें कंप्लीट करना है। पूरी बॉडी वाइट कलर से पेंट है जिसे हम अपग्रेड करने वाले हैं ड्यूअल टोन में वाइट और ब्लैक कलर की थीम पर। हेडलाइट इसमें दोनों चेंज होकर DRL हेडलाइट इसमें फिट होगी। फॉग लैंप इसमें नहीं लगा हुआ है, फॉग लैंप भी हम इसमें फिट करने वाले हैं। फ्रंट का टॉप भी आप चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी जंग लग चुका है, काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। टॉप में डेंट भी काफ़ी है। साइड रनिंग बॉर्डर आप देख सकते हैं। इंसर्ट पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं डेंट पेंट का काफ़ी वर्क है। पीछे के बम्पर की फिटिंग आप चेक करिए। यह सब कुछ हमको कंप्लीट करना है। बैक साइड से जैसा आप चेक कर पा रहे हैं, टाइप 3 मॉडल ही रखा है कस्टमर ने, इसे हम अपग्रेड करके टाइप 4 मॉडल का लुक देंगे। ताइवान टेल लाइट्स उसमें LED वाली फिट करेंगे। पीछे बैक स्पॉइलर नहीं लगा है, बैक स्पॉइलर भी इस कार में ब्लैक कलर का हम फिट करेंगे। और भी बॉडी में जो वर्क है वो मैं आपको पहले चेकआउट करवा देता हूँ, आउटर लुक कंप्लीट हम चेक कर लेते हैं। एक आउटर कंप्लीट लुक आप पहले देख लीजिए गाड़ी का। इसे हम अपग्रेड करने वाले हैं ड्यूअल टोन में व्हाइट और ब्लैक कलर की थीम पर। कार का इंटीरियर भी कस्टमर ने जो हमारी वीडियो देखी थी उसी थीम पर कंप्लीट उसको अपग्रेड करना है। सेम कॉपी कार हमको इसको बनानी है। इंटीरियर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कंडीशन में भी हमारे पास कार आई है। कार का इंटीरियर कंप्लीटली कंपनी कलर जो ग्रे कलर का शेड रहता है उस पर बना हुआ है। कंप्लीट आप चेकआउट कर लीजिए क्या कंडीशन है गाड़ी की। एंड्रॉइड स्टीरियो, स्टीयरिंग कंट्रोल, कार्बन की जगह कुछ नई थीम पर हम इंटीरियर का अपग्रेड करेंगे। सीट कवर से लेके हर एक पार्ट इसका कंप्लीट चेंज होने वाला है। टॉप भी थोड़ा खराब कंडीशन में है, इसी को हमें कंप्लीट करना है। इंटीरियर कस्टमर की डिमांड पर बेज और ब्लैक कलर की थीम पर हम अपग्रेड करने वाले हैं। दोस्तों फाइनली कार कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ कि क्या लुक अब आ रहा है कार का, किस किस तरह से हमने इसमें क्या अपग्रेड किया है। आइए हम शुरू करते हैं इनोवा कंप्लीट अपग्रेडेशन की फाइनल वीडियो। कार के फ्रंट लुक की अगर हम बात करें, कार की फ्रंट ग्रिल, लोअर बम्पर एंड फॉग लैंप कवर सबको हमने पियानो ब्लैक कलर से पेंट किया है, क्योंकि उस कार को हमें ड्यूअल टोन में अपग्रेड करना था। कार का कंप्लीट लुक आप फ्रंट का चेक कर लीजिए। इसी के साथ कार की नॉर्मल हेडलाइट को हमने रिप्लेस करके DRL वाली हेडलाइट इसमें फिट की है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प बेसिक मॉडल था गाड़ी, फोगलाइट गाड़ी में नहीं लगी थी, फोगलैम्प हमने इसमें फिट की है। हेडलाइट के अंदर हमें मैट्रिक्स इंडिकेटर फीचर भी मिलता है। फोगलाइट और हेडलाइट में 6000 केल्विन के LED बल्ब हमने हैवी पावर के फिट किए हैं, फोगलैम्प, लो बीम एंड हाई बीम। कार के साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें, साइड में फेंडर पर नॉर्मल इंडिकेटर्स आते हैं, उसे हमने रिप्लेस करके फेंडर लाइट फिट की है। 3-in-1 कॉम्बो वाली है, डे टाइम रनिंग लाइट, इंडिकेटर एंड कार के रिवर्स मोड में भी इसमें LED ऑन होती है। कार की साइड प्रोफाइल में आपको कंप्लीट एक बार चेकआउट करवा देता हूं।
कार के साइड मिरर एंड चारों डोर हैंडल्स को हमने पियानो ब्लैक कलर से पेंट किया है। कार की साइड रनिंग बॉर्डर्स को भी हमने ब्लैक कलर से पेंट किया है। कार को कंप्लीट आउटर लुक में हमने व्हाइट और ब्लैक कलर की थीम पर अपग्रेड किया है। कार के टॉप को भी आप चेक कर सकते हैं, ग्लॉसी ब्लैक कलर से पेंट किया है। एक स्पोर्ट लुक कार का आउटर कंप्लीट हो रहा है। कार के बैक साइड के लुक की अगर हम बात करें, ड्यूल टोन कार के अंदर स्पॉइलर हमने पियानो ब्लैक कलर का फिट किया है। टेल लाइट्स मेड इन ताइवान एल शेप वाली हमने इसमें फिट की है। रिफ्लेक्टर लाइट इस कार में फिट की गई है। टेल लाइट और रिफ्लेक्टर लाइट में हमें मैट्रिक्स इंडिकेटर फीचर भी मिलता है। इसी के साथ ड्यूल टोन को और भी अपग्रेड लुक देने के लिए सेंटर प्लेट जो इनोवा नेम वाली आती है उसे भी हमने पियानो ब्लैक कलर करके पेंट करके फिट किया है। कंप्लीट लुक आप एक बार बैक का चेकआउट कर लीजिए। इसी के साथ मैं आपको कार का इंटीरियर भी चेक करवा लेता हूँ, किस थीम पर और किस तरह से इसको अपग्रेड किया गया है। इंटीरियर आप कंप्लीट एक बार चेक कर लीजिए कि क्या लुक आ रहा है, उसके बाद मैं आपको वन बाय वन चेक करवाता हूँ क्या क्या काम इसमें किया गया है। फर्स्ट थिंग, कार के डैशबोर्ड को हमने विद ड्यूअल स्टिच लेदर रैप किया है। फिनिशिंग वर्क आप चेक कर ही सकते हैं वीडियो में। कार के स्टीयरिंग को विद रैप एंड केमो कार्बन थीम पर अपग्रेड किया है। सीट कवर्स की अगर मैं बात करूं, बेज एंड ब्लैक कलर के सीट कवर इसमें हमने फिट किए हैं, बकेट फिट, स्किन फिट सीट कवर जिसे हम कह सकते हैं। कार के गियर नॉब को हमने ब्लैक कलर से लेदर रैप किया है विद बेज स्टिच। गियर बूट कवर भी हमने ड्यूअल टोन का इसमें फिट किया है। फ्लोर में हमने ऑटोटेक ब्रांड का बेज कलर का 70 मैट फिट किया है। स्कफ प्लेट विद इनोवा नेम हमने इसमें फिट की है। डोर ट्रिम्स की अगर हम बात करें, डोर पेडिंग इसमें किया है विद ड्यूअल स्टिच। एम्बिएंट लाइट इसमें ब्लैक ट्यूब वाली फिट की गई है। कार के पूरे ट्रिम को बेज एंड ब्लैक कलर पर हमने पेंट किया है। कार्बन फिनिश डिजाइन नहीं लेके कुछ नया अपग्रेड किया है आपके बार हमने। केमो कार्बन की थीम पर इंटीरियर स्टाइलिंग किट फिट की है। डोर में इनर हैंडल लाइट्स हमने फिट की है जो अनलॉक करने पर ऑन होगी एंड ड्राइविंग मोड में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो आपको आइडिया लग ही गया होगा बेज और ब्लैक कलर की थीम में हमने इंटीरियर तैयार किया है कार। कार की सेंटर सीट की अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीट इंटीरियर पहले आप चेक करिए, फुल बकेट सीट कवर इसमें फिट किया है। इंटीरियर को कंप्लीट टू टोन में अपग्रेड करने के लिए कार के टॉप को भी हमने ब्लैक कलर से रैप किया है। टॉप में जितने भी फाइबर पीसेज आते हैं सबको हमने मैट फिनिश का लुक दिया है। 70 मैट बेज कलर की, कस्टमर डिमांड पर स्लाइडर कर्टन भी हमने इस कार में फिट की है। यूज नहीं करने पर हम इसको साइड कर सकते हैं। एंड्रॉइड प्लेयर की अगर मैं बात करूं, GT10 ब्रांड का 232 ऑटो एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वाला एंड्रॉइड स्टीयरिंग हमने इस कार में फिट किया है। स्टीयरिंग कंट्रोल इस कार में नहीं लगा हुआ था, ओरिजिनल टोयोटा जेन्युइन स्टीयरिंग कंट्रोल भी हमने इस कार में फिट किया है जो कंप्लीटली वर्क कर रहा है। रिवर्स कैमरा एनालॉग हाई डेफिनेशन क्लियरिटी वाला हमने इस कार में फिट किया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियोस भी आपको इजीली मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।